नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 12 अगस्त के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। आइए, पंचांग शुरू करने से पहले हम जानते हैं आज क्या विशेष रहने वाला है। आज वरद चतुर्थी का व्रत है, यानी आज भगवान गणेश जी की पूजा अत्यंत शुभकारी मानी गई है। हम भी भगवान गणेश के मंत्र के साथ अपने पंचांग का शुरुआत करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश सभी विघ्नों का हरण करें, सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं 12 अगस्त का पंचांग। वार गुरुवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह श्रावण माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी तिथि जो कि शाम 3:25 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी जो कि सुबह 8:52 तक रहेगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग सिद्ध योग जो कि अत्यंत शुभ योग माना गया है, शाम 4:12 तक रहेगा, उसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों योग अत्यंत शुभ योग माने गए हैं। बात करें करण की तो वृष्टिकरण 3:25 तक रहेगा शाम को, उसके बाद बवकरण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:53, सूर्यास्त शाम 6:59, सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। बात करें चंद्रोदय की, सुबह 9:16, चंद्रास्त रात 9:42। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिसके कि स्वामी बुध देव बनते हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। मंत्र सिद्धि, स्वयं सिद्धि, ईष्ट भगवान की आराधना, अपने भगवान के मंत्रों जाप के लिए ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत शुभ माना गया है। बात करें अभिजित मुहूर्त की, कोई भी शुभ कार्य अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हम अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त 11:59 से 12:53 तक रहने वाला है। आज आनंदित योग मातंग योग भी रहेगा, जो कि सुबह 8:52 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिन के चौकड़िए की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। सबसे पहले शुभ का चौकड़िया 5:53 से 7:31, शुभ के बाद रोग 7:31 से 9:09, रोग का चौकड़िया अशुभ चौकड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 9:09 से 10:47, यह भी अशुभ चौकड़िया है। रोग और उद्वेग में कोई भी शुभ कार्य हमें शुरू नहीं करना चाहिए। उद्वेग के बाद चर 10:47 से 12:26, यह सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 12:26 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। लाभ के बाद अमृत 2:04 से 3:52, ये दोनों चौकड़िए अत्यंत शुभ समय है। लाभ और अमृत में हम कोई अपने बिजनेस रिलेटेड डील कर सकते हैं, लाभ और अमृत में हम कोई शुभ यात्रा कर सकते हैं। लाभ और अमृत के चौकड़िए में कोई भी अपना शुभ कार्य हम शुरू कर सकते हैं, अगर हमारे यानी हमारी राशि चंद्र राशि शुभ राशि है, या फिर चंद्रमा हमारी राशि को बल प्रदान कर रहे हैं। अमृत के बाद काल का चौकड़िया 3:42 से अगर हम बात करें तो 5:22 तक यह काल का चौकड़िया रहेगा, जो कि एक अशुभ समय है। काल के बाद शुभ 5:22 से और 6:59 तक रहने वाला है शाम को। शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौकड़िए अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग ने अशुभ की संज्ञा दी गई है। बात करते हैं अशुभ समय राहुकाल और कुलिक काल। राहुकाल 1:30 से दोपहर में 3:00 तक रहेगा। कुलिक काल 9:00 से लेकर 10:30 तक रहने वाला। राहुकाल और कुलिक काल दोनों अशुभ समय माने गए हैं। इन दोनों समय में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है दक्षिण दिशा। जातकों को दक्षिण दिशा में आज यात्रा नहीं करनी चाहिए, फिर भी वे यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य कर लें, यानी दही का सेवन करके वे यात्रा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रबल, यानी कौन कौन सी राशियाँ आज शुभ राशियाँ रहने वाली हैं, किन किन राशियों को चंद्रमा अपना बल प्रदान कर रहे हैं। तो आज की शुभ राशि है मेष, कर्क,
कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि। बात करें आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर, जन्म राशि और जन्म पाए की। आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी सभी की कन्या राशि रहने वाली है। बात करें नामाक्षर की तो नामाक्षर पी, पू, श और ण। जन्म पाए की बात करें तो सभी का रजत का पाया रहने वाला। धन्यवाद।